तो हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल फिर वाले कैमन आचो एंड वेलकम टू नॉलेज टी सर गाइस। तो आज बहुत ही दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ है लाइफ में। अचानक से मुझे अपने ग्रैंडफादर के होम टाउन यानी कि मेरा भी होम टाउन में जाना पड़ रहा है। कि क्यों जाना पड़ रहा है, अचानक कैसे ये हुआ, सब कुछ मैं आपको हावड़ा जाके बताता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं अभी तारकेश्वर में हूँ और तारकेश्वर में जा रहा हूँ हावड़ा। रात को 8:25 का ट्रेन है हम लोगों का, ठीक है। तो एक ही बार आपसे मिलते हैं हावड़ा में। अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं हावड़ा और हावड़ा आते ही हम लोग आ चुके हैं फूड प्लाजा में और अभी कुछ ऑर्डर करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या ऑर्डर किया। तो देख लीजिए गाइस, मैंने अपना पहला ऑर्डर ले लिया है और पहला ऑर्डर में मैंने ये डोसा ऑर्डर किया है। डोसा अभी आपको दिखाता हूँ। तो आपने देख लिया, चलिए अब डोसा ट्राई करते हैं, बाद में आपसे मिलते हैं। का अपडेट ये है कि हम लोगों ने फूड प्लाजा में नॉनवेज थाली ऑर्डर कर दिया है, एक एक थाली किया है और एक चिकन स्टैंडर्ड थाली किया है। तो वो आता है तो आपको दिखाते हैं। तो भाई फूड प्लाजा में आके मोटा खर्चा हो गया है आज। तो एक काम करते हैं, मील आता है तो आपको दिखाते हैं मील में क्या क्या है। तो हम लोगों ने जो नॉनवेज मील ऑर्डर किया था वो आ गया है, तो आपको दिखाते हैं नॉन वेज में। देख लीजिए, यहाँ पर चिकन है, रोटी है, दाल है, सिर्फ चीज़ की सब्जी होगी, दही है, ये पिकल है, इसमें सलाद है और ये चम्मच। मुझे इनका सर्व करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। आप देखते हैं टेस्ट करके खाना कैसा है। तो आप लोगों ने देख लिया हम लोगों ने क्या ऑर्डर किया था, अब खाते हैं और उसके बाद आपको टेस्ट बताते हैं। तो गाइस अभी ट्रेन आने वाला है, वैसे आज की हमारी जो जर्नी होने वाली है वो ट्रेन नंबर 13009 में होने वाली है, जो कि हावड़ा से योगनगरी के बीच में चलती है। पहले ये ट्रेन हावड़ा से देहरादून के बीच में चलती थी, लेकिन कोविड के वक्त इस ट्रेन का एक्सटेंशन हो गया। अब ये ट्रेन हावड़ा से योगनगरी के बीच तक जाती है और अब से कुछ ही देर में ट्रेन आने वाली है। हम लोगों का टिकट है आज स्लीपर में, मैं स्लीपर में जर्नी कर रहा हूँ और कोच है यस एट और आज अपना सीट है 11 and 12 यस एट में। आज मेरे साथ मम्मी भी जर्नी कर रही है, तो मम्मी को दिखाएंगे नहीं बिकॉज मम्मी कैमरे में नहीं आना चाहती। तो एक काम करते हैं, ट्रेन आता है ट्रेन में बोर्ड करते हैं उसके बाद आप। तो गाइस अभी ट्रेन आ चुकी है और ट्रेन में बैठ चुके हैं। तो आज का अपना सीट है ये 12 नंबर और ये एक लोअर ढूंक रहे हैं, ये एक 12 नंबर अपर चलते हैं संग में और ये 11 नंबर लोअर है। तो आपने देख लिया आज का सीट, 4-5 मिनट में डिपार्चर होगा तो मैं आपसे मिलता हूँ डिपार्चर के टाइम। अब से कुछ ही देर में ट्रेन डिपार्चर लेने वाला है, तो आपको दिखाते हैं डिपार्चर। जब डिपार्चर होगा तो मैं डिपार्चर आपको दिखाऊंगा। तो गाइस अभी अभी हम अपने पहले हॉल्ट पे पहुंच चुके हैं जो कि श्रीरामपुर है। तो आप लोग देख लीजिए श्रीरामपुर का अराइवल। फिलहाल तो श्रीरामपुर में ट्रेन रुकने वाली है, 7 मिनट का हॉल्ट है, बट लेट आई है, 10 मिनट लेट आई है। तो देखते हैं कितना देर रुकती है। अगर श्रीरामपुर के बारे में मैं कुछ बोलने जाऊँ तो श्रीरामपुर में, श्रीरामपुर वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हुगली नदी के पास में बसा हुआ है। एक बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया बड़ा शहर है और यहाँ का सब कुछ यहाँ पे सब चीज़ सस्ता मिलता है, यही इसकी खासियत है। तो आप लोग देख लीजिए एक बार श्रीरामपुर स्टेशन। तो फिलहाल श्रीरामपुर से डिपार्चर होता है, तो आपसे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं डिपार्चर। तो गाइस हमारी ट्रेन अपने पहले हॉल्ट श्रीरामपुर से डिपार्चर ले चुकी है, आप लोग देख लीजिए डिपार्चर। चाय पीजिए।
तो आप लोगों ने देख लिया श्रीरामपुर से डिपार्चर, अब आपसे मिलते हैं सीधा बर्धमान जंक्शन। तो गाइस अब हो चुका है सोने का टाइम, अब सोते हैं और आपसे मिलते हैं सीधा गया जंक्शन पे। आपको दिखाते हैं गया जंक्शन सुबह में, जब भी गया पहुँचेगा तब मैं गया दिखाऊँगा आपको, पक्का वादा है। अभी थोड़ा सा नींद आ रहा है, या बताऊँगा मैं क्यों मैं इतने लोग फिट कर रहा हूँ, मैं सब कुछ बताऊँगा। दादा आपसे मिलते हैं गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है हम लोग का इस ट्रेन में डे टू। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं कुछ देर में गया जंक्शन। तो अभी ट्रेन अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 10 मिनट की देरी से चल रही है। तो एक काम करते हैं, गया आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, वैसे कुछ ही देर में गया पहुँचने वाले हैं। वैसे ये इतनी बेकार ट्रेन है, जहाँ पे मतलब जहाँ तहाँ रुक जा रही है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। लेकिन हम लोग होम टाउन जाने के लिए यही आखिरी ऑप्शन रहता है इस ट्रेन का, इसलिए इस वजह से इसको प्रीफर करते हैं। तो कोई नहीं, गया आता है तो आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो लेते हैं। तो लीजिए गाइस, देख लीजिए गया स्टेशन का अराइवल। इधर प्लेटफॉर्म नहीं है, इधर गाड़ी दे दिया, इधर प्लेटफॉर्म नहीं आया। तो एक काम करते हैं, उस साइड प्लेटफॉर्म पड़ा है, सबको उतरने देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अभी हमारी ट्रेन अपने निर्धारित समय से 2 घंटा 5 मिनट की देरी से गया पहुंच रही है, आगे और कितना लेट होती है देखते हैं और आपको आगे अपडेट करते रहते हैं। देख लीजिए गया स्टेशन का प्लेटफॉर्म, और कुछ ऐसा है गया स्टेशन का प्लेटफॉर्म। अपने निर्धारित समय से 2 घंटा 5 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन यहाँ पर पहुँची है। तो फाइनली गाइस गया से डिपार्चर हो चुका है, आप लोग देख लीजिए डिपार्चर।
आप लोगों ने देख लिया गया से डिपार्चर, अब आप सीधे मिलते हैं वाराणसी जंक्शन, उसके बीच में अगर कहीं रुकती है ट्रेन तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो आप लोगों ने देखा गया स्टेशन का अराइवल डिपार्चर, अब आपको गया स्टेशन के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। गया स्टेशन, गया जंक्शन को हिंदुओं का पौराणिक शहर कहा जाता है और यहाँ पे अक्सर अपने मतलब हिंदू भाई लोग आते हैं पिंडदान के लिए, अपने पितरों के मोक्ष के लिए। ऐसा कहा जाता है कि गया जो है वो फल्गू नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यहाँ पे सब अपने पितरों के मोक्ष के लिए पितृपक्ष के टाइम में आते हैं। तो ये थी गया के बारे में कुछ जानकारी, और मैं रात में आसनसोल वगैरह कुछ कवर नहीं कर पाया, इसका रीज़न यही है मेरा तबीयत ख़राब चल रहा है। और परसों कोलकाता में दुर्गा पूजा था, तो दुर्गा पूजा में हम लोग का परसों विसर्जन था, तो विसर्जन करने के चक्कर में 5 फुट ऊपर से नीचे गिर गया है, थोड़ा सा चोट आ गया है पैर में हाथ में, इस वजह से मेडिसिन ले रहे हैं, तो थोड़ा सा नींद आ गया था, इस वजह से मैंने रात में कुछ कवर नहीं किया। बट दिन में जब तक मैं इस ट्रेन में रहूँगा, वैसे तो 11:36 पहुँचाने का टाइम है जौनपुर, बट मुझे नहीं लगता 11:36 पहुँच जाएगी, तो मैं जब तक इस ट्रेन में रहूँगा तो स्टेशन कवर करने का कोशिश करूँगा। और इसके बीच में सासाराम गुरारू बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेशन स्किप होगा, तो मैं वो रिटर्निंग के बाद दिखाऊँगा, क्योंकि बिहार में घुसते ही ना ट्रेन में बहुत भीड़ होता है। और यही अगर मेरा 3rd AC का टिकट होता तो मैं 3rd AC में आराम से आपको दिखा लेता, क्योंकि 3rd AC में उतना भीड़ नहीं होता है। लेकिन इस बार बदकिस्मती से अनप्लान जर्नी है, मतलब कल आना था, परसों तत्काल में टिकट निकाले हैं, तो इसी वजह से स्लीपर में लेना पड़ गया, 3rd AC में अवेलेबल नहीं था। तो चलिए गाइस, साथ सीधे मिलते हैं वाराणसी जंक्शन में। तो गाइस, अभी का अपडेट ये है कि अभी हमारी ट्रेन सासाराम पहुंच चुकी है, और ट्रेन का डिले जो है 2 hours 49 minutes से ज़्यादा का हो चुका है इस समय। और मैंने आपसे कहा था कि वाराणसी जंक्शन में डायरेक्ट आपसे मिलता हूँ, बट ट्रेन जिस हिसाब से डिले कर रही है, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय में सीधा आपसे मिलता हूँ। फिलहाल आप देख लीजिए, हमारी ट्रेन सासाराम जंक्शन पहुँच चुकी है, और सासाराम का अराइवल आप लोग देख लीजिए। तो गाइस, यही है सासाराम, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, सीधे मिलते हैं आपसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में। तो गाइस, और कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय, तो आपको दिखाते हैं दीनदयाल उपाध्याय का अराइवल। उससे पहले मैंने सोचा थोड़ा सा गेट पे जाके दीनदयाल उपाध्याय का अराइवल दिखाऊं, बट ट्रेन में जो है बहुत भीड़ है, तो गेट पे जा पाना आसान नहीं हो पा रहा है, तो इसके वजह से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा खिड़की से, तो आप लोग देख लीजिएगा। और एक बात कि मैंने मेरा कोच का और मेरे सीट के पास का चार्जिंग सॉकेट ख़राब था, तो मैंने कंप्लेंट किया, विद इन 5 मिनट्स मुझे बहुत अच्छा रिप्लाई मिला आके, उन्होंने सर्विस बहुत अच्छा दिया। इससे पता चलता है कि सिर्फ सब काम 3rd AC या 2nd AC में नहीं होता, स्लीपर में भी काम होता है। सो थैंक यू सो मच इंडियन रेलवेज। एक काम करते हैं, दीनदयाल उपाध्याय आता है तो उसके बाद आपको अराइवल दिखाते हैं। मैं कब से अपने जनता को कहने जा रहा हूँ कि दीनदयाल उपाध्याय आ रहा है, मैं दिखा रहा हूँ, बट ये ट्रेन जहाँ तहाँ रुक जा रही है, और अभी जस्ट आधा घंटा से एक जगह पर रुकी हुई थी, अभी निकली है, और कुछ ही देर में दीनदयाल उपाध्याय आ रहा है, तब तक के लिए आप लोग बाहर का नज़ारा थोड़ा सा देख लीजिए।
तो आप लोगों ने देख लिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का अराइवल। यहाँ पे ट्रेन का टाइम था 9:15 और ट्रेन पहुँची है 12:15। अप्रॉक्स 3 आवर्स का डिले यहाँ पे हो चुका है। तो आपसे मिलते हैं डिपार्चर के वक्त, तब तक के लिए देखते रहिए। उस टाइम क्या हुआ था कि घर से कॉल आ रहा था थोड़ा सा, जल्दी जल्दी आपको डिपार्चर अराइवल दिखा के उसके बाद मैं कुछ बोल नहीं पाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है वो बहुत ही बड़ा जंक्शन पॉइंट है। यहाँ पे 8 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे पहले इस ट्रेन का इंजन भी चेंज होता था। पहले हावड़ा से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेके आता था और आगे का रूट जब इलेक्ट्रिफाइड नहीं हुआ था तो यहाँ से डीजल लोकोमोटिव लगता था। बट अभी आगे का रूट पूरा इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, इसलिए यहाँ पे अब इंजन नहीं चेंज होता था। पहले यहाँ पे आधा घंटा का हॉल्ट था, अब इस ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से दिल्ली हावड़ा मेन लाइन के अलावा और एक लाइन जाती है जो कि सतना कटनी के रास्ते प्रयागराज शिवकी होते हुए मुंबई के लिए निकल जाती है। और यहाँ से एक लाइन और जाती है जो कि वाराणसी के रास्ते अयोध्या होते हुए आपको लखनऊ पहुँचाती है, ठीक है। यहाँ से बहुत इतनी सारी लाइनें निकलती है, इसलिए इसको जंक्शन बोला जाता है। तो और कुछ ही देर में डिपार्चर होगा, तो डिपार्चर में आपसे मिलते हैं। गाइस हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, तो आप लोग देख लीजिए डिपार्चर। Thank you.
आप लोगों ने देख लिया डिपार्चर। इसके बाद इसका हॉल्ट है काशी, आपसे मिलते हैं सीधा वाराणसी जंक्शन। तो हमारी ट्रेन अब वाराणसी पहुंच रही है। हमारी ट्रेन का वाराणसी में आने का टाइम था 10:30 और आ रही है 1:30, तो ट्रेन अभी 3 आवर्स डिले है। तो आप लोग देख लीजिए वाराणसी का अराइवल। सामने खड़ी है बेगमपुरा एक्सप्रेस। Thank you.
तो अगर मैं वाराणसी के बारे में कुछ बात करूं, तो वाराणसी के बारे में अगर मैं कुछ बात करूं, तो वाराणसी हिंदुओं का पवित्र शहर है और यहां से आप 6 किलोमीटर दूर काशी विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं। तो ये ब्लॉक बहुत बड़ा हो चुका है, तो अब इस ब्लॉक को मैं घर पे जाके एंड करूंगा और यहां से कोई स्टेशन अभी मैं कवर नहीं करने वाला हूं। जो स्टेशन छूट रहा है वो मैं रिटर्निंग के वक्त कवर कर दूंगा। तो गाइस, ये ब्लॉग का एंडिंग पार्ट मैं शूट कर रहा हूँ और बहुत दिनों बाद मैं शूट कर रहा हूँ। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे आने के बाद मेरा तबीयत जो है ख़राब हो गया होगा, मेरे गले से आपको पता भी चल रहा होगा अभी। तो यहाँ पे किस वजह से मैं आया हूँ, अभी मेरा अभी आने का प्लान नहीं था। तो मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 22 अक्टूबर 2023 को मेरी नानी इस दुनिया को अलविदा कह गई हैं, तो इस वजह से हम लोगों को इमीडिएट में आना पड़ा। और अब हम लोग देखते हैं दिसंबर में आते हैं या नहीं, बिकॉज एग्ज़ाम का भी बात है और मैं वहाँ पे कंप्यूटर का कोर्स कर रहा हूँ। तो जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से टिकट वापस कर दिया जाएगा अगर नहीं हो पाता है तो। और आगे का सीन क्या है कि हम लोग अभी यहाँ पे आए थे, वहाँ पे गए भी थे, सब कुछ समाप्त हो चुका है और हम लोग अभी यहाँ अपने घर के पास में एक जगह पर हैं। तो अभी चलते हैं थोड़ी देर में घर और करते हैं यहीं पे इस ब्लॉग को एंड और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।